लोकसभा चुनाव के लिए बसपा ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट। लिस्ट में चंद्रशेखर आजाद का नाम बटोर रहा सुर्खियां। क्या ये चंद्रशेखर आजाद में आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष ही हैं या फिर कोई और हैं तो क्या मायावती अपने भतीजे आकाश आनंद को दे रही हैं बूस्टर डोज। नगीना से आकाश आनंद का चुनाव प्रचार का प्रारंभ करना क्या कहता है। लोकसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण के लिए बहुजन समाज पार्टी ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी। बसपा के इस लिस्ट में बसपा सुप्रीमो मायावती, नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद, सतीश चंद्र मिश्रा, विश्वनाथ पाल, मुनकाद अली समेत कई बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं। वहीं बसपा के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में एक नाम ऐसा भी है जिस पर जिसकी भी नजर गई वो देखकर हैरान हो गए, सोच में पड़ गए, क्या वाकई में ऐसा है या फिर कुछ और है। लेकिन अगर सांकेतिक तौर पर देखा जाए तो ऐसा बताने का प्रयास किया गया जो दिख रहा है उन्हीं की राजनीतियों को आगे बढ़ाने वाला है। इस नाम के तो अनेक हो सकते हैं लेकिन दलितों के हितों की बात करने वाली सिर्फ और सिर्फ अकेली हैं जिनसे कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। जी हां, बीएसपी की ओर से जारी 40 प्रत्याशियों की लिस्ट में एक नाम चर्चा का विषय बना हुआ है। ये नाम कोई और नहीं बल्कि चंद्रशेखर आजाद है। क्या वाकई में चंद्रशेखर आजाद बीएसपी के लिए प्रचार करेंगे हर कोई जानना चाहता है, या फिर ये चंद्रशेखर आजाद कोई और हैं जिन्हें स्टार प्रचारक की भूमिका में लाकर मायावती ने नगीना में मौजूद चंद्रशेखर आजाद को एक संकेत दे दिया। आप भले ही मेरे विकल्प बनने की फिराक में हैं लेकिन ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। आप जैसे हजारों चंद्रशेखर को मैं राजनीति की दुनिया में ला सकती हूं। मायावती ने जिस चंद्रशेखर आजाद को 40 स्टार प्रचारकों के लिस्ट में 29वें नंबर पर रखा वो चंद्रशेखर आजाद पीलीभीत बीएसपी के जिलाध्यक्ष रह चुके हैं, अब किसी पद पर नहीं है। बावजूद इसके बीएसपी प्रमुख मायावती ने स्टार प्रचारकों के लिस्ट में उन्हें तवज्जो दी तो इसके मायने तो हैं। कहीं ना कहीं मायावती चंद्रशेखर आजाद की राजनीतिक हैसियत को आईना दिखाकर दलित समाज को संदेश दे रही हैं। जिस चंद्रशेखर को आप अपना भविष्य मानकर चल रहे हैं वैसे हजारों चंद्रशेखर दशकों की राजनीति के अनुभव को समेटे बीएसपी में हैं। लेकिन आकाश आनंद जैसी राजनीतिक विरासत आपको और कहीं नहीं मिलेगी। आकाश के साथ मायावती का राजनीतिक अनुभव है। बसपा यूपी में इस बार अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। बसपा में भी अभी तक मायावती और सतीश चंद्र मिश्र ही सबसे बड़े स्टार प्रचारकों में हुआ करते थे। मायावती ने इस बार भतीजे आकाश को अपने बाद नंबर दो का स्टार प्रचारक बनाया है। इतना ही नहीं, आकाश को पहली बार यूपी की कमान सौंपी गई। उनकी पहली सभा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नगीना लोकसभा सीट पर लगाई गई है। नगीना दलित बाहुल्य सीट है और बसपा के दुर्विरोधी और दलितों की राजनीति करने वाले चंद्रशेखर आजाद वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। मायावती ने आकाश की पहली सभा नगीना में लगाकर दलित समाज के लोगों के बीच बड़ा संदेश देने की कोशिश की। बसपा ने दूसरे चरण के चुनाव के लिए भी 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है जिसमें पहले चरण के स्टार प्रचारकों में से कुछ नाम काटे गए और कुछ नाम जोड़े गए हैं। सूत्रों की माने तो मायावती 6 अप्रैल को नगीना लोकसभा सीट से अपने चुनावी प्रचार अभियान की शुरुआत कर सकती हैं। मायावती की इस जनसभा में उनके भतीजे आकाश आनंद के भी रहने की संभावना है। हालांकि चंद्रशेखर आजाद की ओर से जब आकाश आनंद की ओर से नगीना में चुनाव प्रचार करने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जो जवाब दिया उससे ऐसा लगा चंद्रशेखर अपने सामने आकाश की राजनीति को हल्के में ले रहे। चंद्रशेखर ने हालांकि कहा कि वो उन्हें अपने छोटे भाई की तरह लेते हैं। अगर आकाश नगीना में प्रचार के लिए आते हैं तो अपने लोगों से कहेंगे वो उनकी सभा में जाएं ताकि उनका मोराल हाई रहे। चंद्रशेखर का ये कहना अपने आप में बताता है आकाश आनंद उनके लिए चुनौती नहीं। इसके पीछे चंद्रशेखर तर्क देते हैं, जितनी राजनीति की दुनिया में उन्होंने संघर्ष किया उतना संघर्ष आकाश आनंद ने नहीं किया। उन्हें राजनीति विरासत में मिली और जब तक राजनीति में कोई संघर्ष नहीं करता वो सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। बता दें कि बसपा इस समय चुनावी मैदान में अकेले है और यूपी में उसका किसी पार्टी से गठबंधन नहीं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने पहले ही साफ कर दिया था कि यूपी में लोकसभा चुनाव में मायावती अकेले चुनावी मैदान में रहेगी। मायावती ने यह भी कहा था कि बसपा को गठबंधन में नुकसान होता है क्योंकि पार्टी का वोट तो ट्रांसफर हो जाता है लेकिन गठबंधन में बसपा को दूसरी पार्टी का वोट ट्रांसफर नहीं होता।